प्रैक्टिस सेट टू चालू करने से पहले हम एंगल्स की रिवीजन टेस्ट लेंगे। लेसन नंबर टू, एंगल्स। लुक एट द एंगल शोन इन द पिक्चर्स बिलो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंगल्स एंड राइट इट्स नेम बिलो द पिक्चर। अभी इस एंगल को देखिए, कौन से एंगल बने हैं और हमें लिखना है कौन सा एंगल है वो। अभी ये कौन सा एंगल दिख रहा है हमें, बताओ कौन सा ये? ऑब्ट्यूस एंगल है। कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल है जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ऊपर रहता है और 180 डिग्री से कम होता है, वो कौन सा एंगल होता है? ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो। ये कौन सा एंगल बन रहा है बताओ? ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल है फिर ये? राइट एंगल। राइट एंगल। राइट एंगल बन रहा है वो। ये कौन सा एंगल बनेगा बताओ? ये कौन सा बन सकता है बताओ? 90 डिग्री से कम वाला एंगल है ना। फिर कौन सा आएगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जिस एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अभी ये टेबल हमें पूरा करना है। क्या दिए यहाँ पर? एंगल। एंगल पी वाई आर। इधर एंगल कौन सा दिया है? एल एम एन, और उसे ऐसा भी पढ़ सकते हैं एंगल एन एम एल। ये एंगल है बी ओ एस और एंगल एस ओ बी, कैसे भी हम उसे पढ़ सकते हैं। नेम ऑफ द एंगल क्या है? क्या है बताओ? एंगल पी वाई आर या एंगल आर वाई पी? एंगल पी वाई आर। अभी वर्टेक्स ऑफ द एंगल कौन सा है? वर्टेक्स कौन सा है? वर्टेक्स पॉइंट वाई। वर्टेक्स क्या है? पॉइंट वाई। अभी आर्म्स ऑफ द एंगल बताओ। पी वाई आर के आर्म्स ऑफ द एंगल कौन से है? साइड वाई पी और साइड वाई आर। साइड वाई पी और साइड वाई आर। साइड वाई पी और साइड वाई आर। अभी इसका बताओ नेम ऑफ द एंगल कौन सा है? एंगल एल एम एन या एंगल एन एम एल? एंगल एल एम एन। अभी वर्टेक्स ऑफ द एंगल कौन सा है? वर्टेक्स पॉइंट एम। पॉइंट एम इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अभी आर्म्स ऑफ द एंगल कौन से है? साइड एम एल और साइड एम एन। साइड एम एल और साइड एम एन। अभी क्या एंगल के बारे में बताओ? कौन सा एंगल है? नेम ऑफ द एंगल, एंगल बी ओ एस या एंगल एस ओ बी? एंगल बी ओ एस लिखेंगे हम। एंगल बी ओ एस। अभी वर्टेक्स ऑफ द एंगल कौन सा है? वर्टेक्स ओ। वर्टेक्स क्या है? पॉइंट ओ। अभी आर्म्स ऑफ द एंगल कौन से है? साइड, साइड ओ बी और साइड ओ एस। साइड ओ बी और साइड ओ एस। ट्राई दिस। अभी ये ट्राई करके देखेंगे हम। यूज टू स्टिक्स। अभी दो स्टिक्स का इस्तेमाल कीजिए ऑफ डिफरेंट कलर्स। एक रेड कलर की लीजिए और एक वाइट कलर की लीजिए। टू मेक द एंगल्स फ्रॉम द एंगल ए टू एंगल जी। अभी क्या करना है? एंगल ए से लेकर के एंगल जी तक हमें स्टिक्स के इस्तेमाल करके एंगल्स बनाने हैं, तो अब हम वो बनाएंगे। अभी हमने दो स्टिक्स लिए। पहले एंगल ए में क्या करना है हमें? एक के ऊपर एक ऐसे लिख करना है उन्हें, एक के ऊपर एक करना है और उसका मेजरमेंट करना है। कितना मेजरमेंट आएगा इसका बताओ? कितना मेजर हमने अगर इसे मेज़र किया तो क्या आएगा? जीरो एंगल बनेगा। इन फिगर ए द टू स्टिक्स लाई वन अपॉन द अदर। फिगर ए के अंदर क्या दिखा है? दो स्टिक्स एक के ऊपर एक रखे। There is no change in their position. तो उनके position में कुछ change है क्या? नहीं। In this position, the angle between the side stick is called a zero angle. इस position के अंदर उनका angle कितना बनता है? Zero angle बनता है। The measure of the zero angle is written as zero. Measurement कैसा लिखते हैं zero angle का? Zero degree ऐसा लिखते हैं। जब हमने ये दो sticks लिए और उसको एक के ऊपर एक रखा और इसका measurement किया तो क्या आएगा? क्या बनेगा वो? जीरो एंगल बनेगा। जीरो डिग्री का एंगल बनेगा वो।
फिगर नंबर बी, नाउ कीपिंग वन स्टिक इन प्लेस, अभी एक स्टिक को यहाँ पर रखिए, टर्न द अदर वन राउंड, अभी दूसरे को ऐसा राउंड में कीजिए, एज शोन इन द फिगर, द एंगल फॉर्म इन द फिगर बी इज, कौन सा एंगल बनेगा फिर वहाँ से, कौन सा बनेगा, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जो एंगल, जो इस एंगल का मेजरमेंट 0 degree और 90 degree के बीच में कम बीच में आता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं, एन एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम उसे कौन सा एंगल बोलते हैं, उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं, कौन सा एंगल बोलेंगे इसे, एक्यूट इज एन एक्यूट एंगल, एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन acute angle is called an acute angle. कौन सा एंगल बना है स्टिक से, acute angle बना है, acute angle कौन सा रहता है, जो जिस एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होता है उसे acute angle हम कहते हैं. अभी सी वाला कौन सा एंगल बना है, 90 डिग्री का एंगल बना है, द एंगल फॉर्म इन फिगर सी इज, कौन सा राइट एंगल बना है, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, कौन सा बोलते हैं उसे, राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल कैसा बनता है, इस प्रकार वो बनता है, इस प्रकार बनता है वो, ये राइट एंगल है, द एंगल फॉर्म इन फिगर सी इज राइट एंगल, इज एन राइट एंगल, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, कौन सा एंगल बोलते हैं उसे, राइट एंगल, राइट एंगल बोलते हैं. फिगर नंबर डी में क्या दिखा है, एक स्टिक ऐसी है और दूसरी स्टिक 90 डिग्री से ज़्यादा है, क्या है वो, 90 डिग्री कैसा होता है, दिस इज़ द 90 डिग्री, इससे वो ज़्यादा है, तो 90 डिग्री से जब आता है, ज़्यादा आता है मेजरमेंट, तो क्या बोलते हैं उसे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, कौन सा एंगल बना फिर ये, ऑब्ट्यूस एंगल, द एंगल फॉर्म इन फिगर डी इज ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन 90 यानी 90 डिग्री से ज़्यादा बट लेस देन 180 और 180 डिग्री से कम उसे कौन सा एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं उसे, इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल, कौन सा एंगल बोलेंगे उसे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं. डी के अंदर इफ द स्टिक इज टर्न फर्दर इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, अभी एक स्टिक ऐसी रखी और एक स्टिक ऐसे सीधी रखी यानी स्ट्रेट की हमने उसे, तो क्या बनेगा वो, वी गेट अ पोजिशन एज इन फिगर ही, इस फिगर में जैसी पोजिशन है वैसी पोजिशन बनेंगी, एन एंगल लाइक दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, इस एंगल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल मेजर्स 180 डिग्री, इसका मेजरमेंट कितना आता है, 180 डिग्री आता है. फिगर नंबर एफ में क्या बताया है, एंगल ऐसा जो बना है वो कैसा हुआ, पहले एक्यूट एंगल बना, फिर वो ऐसा जो जिस पोजीशन में रहता है उसे राइट एंगल बोलते हैं, फिर जब एंगल ऐसा इसका ऐसा मेजरमेंट जब होता है उसका तब उसे क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, फिर बाद में जब वो सीधा होता है ये इधर की लाइन जब हम सीधी करते हैं ये स्टिक तो कौन सा एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है, और जब उसे ऐसा हम करते हैं यानी वो कैसा टर्न हुआ यहाँ से ऐसा टर्न होते होते ऐसा आया तो कौन सा एंगल बनेगा, अभी हो 180 से ज़्यादा बना, अभी हो 180 से जब एंगल ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है उसे कौन सा एंगल बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं. इफ द स्टिक इज टर्न इवन फर्दर एज शोन इन द फिगर, ऐसा हमने उसे घुमाया वी गेट एन एंगल लाइक वन इन द फिगर, ऐसा फिर हमारा ऐसा फिगर जो है वैसा वो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180, ये एंगल 180 से ज़्यादा होता है, सच एन एंगल इज कॉल्ड एन रिफ्लेक्स एंगल, उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, 360 से कम और 180 से ज़्यादा उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं. जी फिगर जी के अंदर क्या बताया है, कंप्लीट एंगल बताया हमें, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का,
पहले कौन सा एंगल बना था, एक्यूट एंगल बनाया हमने, फिर एक्यूट एंगल के बाद में हमने ऐसा मेजरमेंट बनाया, ऐसा मेजरमेंट का कौन सा एंगल बनता है, राइट एंगल बनता है, उसके बाद में ये मेजरमेंट का हमने बनाया, इस प्रकार बनाया, उसे कौन सा बोलते हैं, जो 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। जब हम इसे स्ट्रेट लाइन में करते हैं तो ये कौन सा एंगल हो गया हमारा, स्ट्रेट एंगल हो गया। स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना आता है, 180 डिग्री आता है। जब हमें हमने इसे ऐसा घुमाया तो कितना हो गया उसका मेजरमेंट कितना आया, 180 से ज़्यादा और 360 से कम, तो उसे कौन सा बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। अभी हम लास्ट में उसे घुमाते हुए यहाँ पर लेके आएंगे तो कौन सा बनेगा वो, यहाँ पर जब लाते हैं और जब हम मेज़रमेंट करते हैं, अब इस पोजीशन में वो ऐसा घूम के ऐसा उसके ऊपर फिर से आ गया है, तो कौन सा बनेगा वो, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। उसे कौन सा एंगल बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं उसे, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। इस प्रकार इसे घुमाते हुए यहाँ तक लाया तो कौन सा एंगल बना हमारा, वो कंप्लीट एंगल बना, और कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट 360 डिग्री होता है। अभी हम प्रैक्टिस सेट टू के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट टू में क्या बताया हमें, मैच द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, मैच करना है। मेजर ऑफ द एंगल दिया है यहाँ पर और यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंगल दिए है, तो 180 डिग्री का 180 डिग्री है, तो कौन सा एंगल आएगा वो, स्ट्रेट एंगल। क्या आएगा वो, 180 डिग्री का जब एंगल बनता है तो स्ट्रेट एंगल बनता है, कौन सा बनेगा, ये स्ट्रेट एंगल बनेगा। जब 240 डिग्रीज का एंगल हमें 240 डिग्रीज का मेजरमेंट लिया एंगल के लिए, तो कौन सा बनेगा एंगल, कौन सा रहेगा वो रिफ्लेक्स एंगल रहेगा। कौन सा एंगल रहेगा वो, रिफ्लेक्स एंगल रहेगा। 360 डिग्री का जब हम मेजरमेंट लेके एंगल बनाते हैं तो कौन सा एंगल बनेगा वो, कौन सा बनेगा बताओ, कौन सा बनेगा वो, कंप्लीट एंगल बनेगा। 360 डिग्री का जब हम मेजरमेंट लेके एंगल बनाते तो कंप्लीट एंगल बनेगा। 0 डिग्री के लिए कौन सा बनेगा, ज़ीरो एंगल बनेगा, उसका कौन सा बनेगा, ज़ीरो एंगल बनेगा। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू, द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन, अभी हमें कुछ एंगल्स के मेजरमेंट दिए है, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल, अभी कौन सा एंगल बनेगा वो हमें लिखना है, कौन सा बनेगा। अगर 75 डिग्री का मेजरमेंट रहा तो कौन सा एंगल बनेगा वो बताओ, कौन सा बनेगा, 75 डिग्री का एंगल है तो कौन सा रहेगा वो बताओ, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल। यानी एक्यूट एंगल कौन सा रहता है, जो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। अभी ये 0 डिग्री हो, कौन सा एंगल बनेगा, 0 एंगल, कौन सा बनेगा वो, 0 एंगल। थर्ड वाला 215 डिग्री, कौन सा बनेगा वो, 180 से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, वो कौन सा एंगल रहता है, रिफ्लेक्स एंगल रहता है, वो कौन सा एंगल रहता है, रिफ्लेक्स एंगल। 360 डिग्री का एंगल, अभी 360 डिग्री का एंगल कौन सा रहता है, कौन सा बोल, क्या बोलते हैं उसे, उसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। अभी 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री में कौन सा आता है, स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल होता है वो, स्ट्रेट एंगल। अभी 120 डिग्री यानी कौन सा रहता है, 90 से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, कौन सा एंगल रहेगा वो, ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा, ऑब्ट्यूस एंगल। अभी 148 डिग्री का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, कौन सा रहेगा वो भी ऑब्ट्यूस एंगल ही रहेगा, ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा ये भी। और ये 90 डिग्री का जब एंगल बनता है तो कौन सा बोल, क्या बोलते हैं हम उसे, उसे राइट एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं हम उसे। क्वेश्चन नंबर थ्री, लुक एट द फिगर, ये फिगर की तरफ देखिए एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल, और ये एंगल कौन कौन से एंगल है ये हमें बताइए। अभी कौन कौन से एंगल है, फर्स्ट वाला एंगल कौन सा है बताओ, पहला वाला कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है मतलब 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल।
एक्यूट एंगल, ये कौन सा है अभी, ये क्या है, राइट एंगल है, कौन सा एंगल है ये, राइट एंगल। ये कौन सा एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज़्यादा और 360 से कम आता है उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अभी ये कौन सा एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल है, क्या ये स्ट्रेट एंगल, ये वाला कौन सा है, इसे क्या बोलेंगे हम, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, दोनों रेज इसके ऊपर ही है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ज़ीरो एंगल, ज़ीरो एंगल। और ये वाला कौन सा एंगल है, ये वाला कौन सा एंगल है, कंप्लीट एंगल, कैसा है ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होके ये यहाँ पर से यहाँ पर उसका एरो है, यानी फिर से घूम के वो कहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है, वो कैसा है, 360 का एंगल है, यानी वो क्या है, उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं, इट इज़ अ कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल है, ये कौन सा एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज़्यादा और 360 से कम आता है उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अभी ये कौन सा एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल है, क्या ये स्ट्रेट एंगल, ये वाला कौन सा है, इसे क्या बोलेंगे हम, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, दोनों रेज इसके ऊपर ही है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ज़ीरो एंगल, ज़ीरो एंगल। और ये वाला कौन सा एंगल है, ये वाला कौन सा एंगल है, कंप्लीट एंगल, कैसा है ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होके ये यहाँ पर से यहाँ पर उसका एरो है, यानी फिर से घूम के वो कहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है, वो कैसा है, 360 का एंगल है, यानी वो क्या है, उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं, इट इज़ अ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूस एंगल, क्या करना है हमें, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ये निकालना है। हम क्या लेंगे इसके लिए, प्रोटेक्टर, स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे और ये तीनों एंगल्स हम बनाएंगे। हम अभी प्रोटेक्टर और स्केल का इस्तेमाल करके, प्रोटेक्टर और ये स्केल, इसका इस्तेमाल करके हम ये एक्यूट एंगल बनाएंगे। पहले क्या करेंगे हम, अभी एक ऐसी लाइन खींच लेंगे, ये हमने लाइन खींच लिया पर, अभी एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, जो एंगल 90 डिग्री से कम आता है उसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। अभी प्रोटेक्टर का, प्रोटेक्टर हम कैसा पकड़ेंगे, अभी इसका जो एंड पॉइंट है, जो हमने लाइन खींची है इसका जो एंड पॉइंट है ये कहाँ पर लाना है, ये सेंटर पॉइंट पर लाना है, सेंटर पॉइंट पर लाना है, और जो ज़ीरो है प्रोटेक्टर के ऊपर ज़ीरो, वो बिल्कुल ये लाइन पर आना चाहिए, तब हम अभी मेज़रमेंट लेंगे। अभी एक्यूट एंगल 90 से कम बनाना है हमें, क्या बनाना है, 90 डिग्री से कम, तो हम 80 का बना सकते हैं, 70 का बना सकते हैं, नहीं तो 10 का बना सकते हैं, 20, 30, 40 कौन सा भी बना सकते हैं, 90 डिग्री से कम हम क्या करेंगे, 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 40 डिग्री का, जहाँ 40 डिग्री है ये 10, 20, 30, 40, तो 40 के लिए हम ये मार्किंग करेंगे, हमने ये 40 डिग्री के ऊपर मार्किंग की है, अभी हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे। ये हमने 40 डिग्री का एंगल निकाला है, हमें क्या निकालना था, एक्यूट एंगल निकालना था। एक्यूट एंगल मतलब क्या है, एक्यूट एंगल मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री से कम हमें बनाना है, 90 डिग्री से हम कौन सा भी बना सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तब तक हम, ये हमारा 40 डिग्री का एंगल बन गया अभी, और ये हमने हमारा आंसर आ गया अभी, इसे हम ए बी सी ऐसा नाम देंगे, ए बी और सी। अभी बी क्या है, वर्टेक्स पॉइंट है, और ए और बी, बी ए और ए सी क्या है, उसके आर्म्स है,
हमारा एक्यूट एंगल हमने बनाया अभी अभी हम सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड से हम देखेंगे। अभी हमें क्या निकालना है, राइट एंगल निकालना है। राइट एंगल भी उसी प्रकार हम निकालेंगे। पहले हम लाइन खींच लेंगे, लाइन खींचेंगे हम अभी यहाँ पर, ये हमने लाइन खींच ली। अभी प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर से क्या करेंगे हम, प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट या एंड पॉइंट पर लेंगे, हर जीरो बराबर लाइन पर आना चाहिए, इस प्रकार हम उसे लेंगे। ये बराबर आया है, अभी हम 90 डिग्री लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। हमें राइट एंगल कौन सा रहता है, राइट एंगल 90, परफेक्ट 90 का रहता है, वो 90 से ज़्यादा भी नहीं रहता है और 90 से कम भी नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। तो अभी हम जो पॉइंट किया है उस पर लाइन खींचेंगे। अभी ये हमने लाइन खींची, अभी जो राइट एंगल है उसको इस प्रकार डिनोट करते हैं, इस प्रकार से डिनोट करते हैं, और ये 90 डिग्री हमने लिखा। अभी उसको नाम दे देंगे हम पी क्यू एंड आर, ये हमने इसे नाम दे दिया। अभी ये हमारा राइट एंगल हो गया। अभी हम ऑब्ट्यूस एंगल निकालेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल निकालेंगे हम। ऑब्ट्यूस एंगल भी उसी प्रकार हम निकालेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा रहता है, जो एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होता है, उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। अभी हमें एंगल निकालेंगे, ये हमने एक लाइन खींच लिया पर। अभी ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा रहता है, 90 डिग्री से ज़्यादा रहता है। पहले हमें सेंटर पे पकड़ेंगे इसे, हर ज़ीरो लाइन पे आना चाहिए बराबर, परफेक्ट। अभी ये बराबर परफेक्ट आ गया। अभी हम क्या करेंगे, 90 से ज़्यादा, ये 90 हमारा इधर 10, 20, 30 ऐसा 90 के बाद में हम 100, 91 का भी निकाल सकते हैं, 95 का निकाल सकते हैं, 100 का निकाल सकते हैं, 110 का निकालेंगे, 110 का हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 110 डिग्रीज, यह हम ऑब्ट्यूस एंगल 110 डिग्रीज का निकालेंगे यहाँ पर। अभी हमने मार्किंग के लिए अभी हम एक लाइन खींच लेंगे, जो एंगल 90 से ज़्यादा और 180 से कम आता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं उसे, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं इसे। ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हो गया और इसका मेजरमेंट कितना है, 110 डिग्रीज का हमने ये एंगल बनाया है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बाकी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।